बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली जीन थेरेपी से रिलेटेड है। हम आज ये देखेंगे बेसिकली जीन थेरेपी होती क्या है, जीन थेरेपी किस तरह से की जाती है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और एक्चुअली जीन थेरेपी की लिमिटेशंस क्या है। तो जीन थेरेपी हम शुरू करते हैं। जीन थेरेपी बेसिकली क्या होती है? जीन थेरेपी एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, यानी इज अ टूल, और एक ऐसा टूल है जो आमतौर पे यूज किया जाता है डिफेक्टिव जीन्स को रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, अच्छा अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखो तो हमारे बॉडी में जो भी एक्सप्रेशन आ रहे होते हैं, हमारी जो भी फिनोटाइप्स हमें नजर आ रही होती है, उन तमाम फिनोटाइप्स के पीछे बेसिकली कोई ना कोई जीन इन्वॉल्व होता है। अब वो फिनोटाइप हमारी बॉडी के जितने भी, चाहे वो फंक्शनल फिनोटाइप्स हों या स्ट्रक्चरल फिनोटाइप्स हों, यानी बॉडी के आपके स्ट्रक्चर्स हैं, आपकी आपकी हाइट है, आपके कलर्स हैं, आपकी आपके हेयर्स हैं, आपके स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरह से आपकी बॉडी के जो फंक्शनल फिनोटाइप्स हैं, जैसे डिफरेंट एंजाइम्स हैं बॉडी में रिफॉर्म हो रहे हैं, मेजर एंजाइम है, इससे पहले हमने फार्माकोजेनेटिक्स में देखा जो CYP जो है फैमिली जो है एंजाइम्स की, वो एक मेजर रोल प्ले करती है मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं बॉडी के अंदर जो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, दे हैव अ मेजर रोल इन पर्टिकुलर फंक्शन, किसी भी बॉडी के जो मेजर फंक्शन है उसमें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये जितने भी एंजाइम अगर आप देख लें या और प्रोटीन्स देख लें, तो ये जो एंजाइम्स हैं ये बेसिकली इनके पीछे भी कोई ना कोई, इनके एक्सप्रेशन के पीछे भी कोई ना कोई जीन जो है वो क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। अब ये जो एंजाइम्स बन रहे होते हैं, जो ट्रांसलेट हो रहे होते हैं, ये कोई ना कोई जीन है जो कि ट्रांसलेट हो रही होती है, कोई ना कोई mRNA है, पहले जीन से ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA, और mRNA फर्दर जो है वो रीड होकर क्या बना रहा होता है, प्रोटीन बना रहा होता है। तो बेसिकली बॉडी में आपकी जितनी भी जीन्स हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर 20,000 से अराउंड 25,000 or 26,000 के अराउंड जीन्स हैं रिपोर्टेड हैं, जो कि कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बना रही होती हैं। तो ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन बना रही होती है, इसका मतलब है दे हैव सम सिग्निफिकेंट ना। अब ये इस जीन की सिग्निफिकेंट है, यानी सिग्निफिकेंस है, यानी अगर ये जीन प्रॉपरली फंक्शन ना करे, प्रॉपरली ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट ना हो, या ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू चेंज इन देयर सीक्वेंस, ये प्रोटीन, ये जो जीन है ये एबनॉर्मल प्रोटीन बनाए, तो ऑफकोर्स इसकी वजह से बॉडी में एबनॉर्मैलिटी जो है वो क्रिएट होती है, वो पैदा होती है, एंड दैट एबनॉर्मैलिटी इज नॉर्मली नोन एज जेनेटिक डिसऑर्डर्स ना, इसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर कह रहे होते हैं। क्या मतलब है कि कोई ना कोई जीन इन्वॉल्व होती है किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के प्रॉपरली ना होने के पीछे, यानी उसकी कोई ना कोई म्यूटेशन होती है जीन की, जिसकी वजह से कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन है, कोई एंजाइम है, कोई प्रोटीन है, जो कि एक मेजर रोल प्ले करे बॉडी में, वो प्ले नहीं करे होती। तो ये डिफेक्ट, ये जो डिफेक्ट है, जो 3% पार्ट ऑफ DNA जो डिफेक्ट है, यानी ये जो जीन्स होती हैं, ये जो कोडिंग सेगमेंट्स होते हैं बॉडी के, इनमें अगर डिफेक्ट आ जाए तो ये जेनेटिक डिफेक्ट्स जो होते हैं, इन जेनेटिक डिफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए, करेक्ट करने के लिए जो है वो जीन थेरेपी की जाती है। यानी इसमें क्या किया जाता है कि जो डिफेक्टिव वर्जन है जीन का, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है विद द नॉर्मल जीन। ठीक है, अब ये कैसे किया जाता है ये हम आगे देखेंगे किस तरह से सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो सिंपल इसकी जो डेफिनेशन है जीन थेरेपी की, वो यही है कि इज बेसिकली करेक्शन ऑफ अ डिफेक्टिव जीन, या आप कह लो कि इंसर्शन ऑफ अ रिमूवल ऑफ अ डिफेक्टिव जीन। ठीक है, एंड रिप्लेस इट विद अ नॉर्मल जीन ना। ठीक है, और इंसर्ट कर दी जाती है नॉर्मल जीन। आमतौर पर एक और टर्म भी इस्तेमाल हो रही होती है जिसे हम नॉक इन नॉकआउट कह रहे होते हैं। नॉक इन नॉकआउट की टर्म का मतलब ये होता है कि डेलिबरेटली जब कोई जीन इंसर्ट की जाती है, ठीक है, तो हम उसे कह रहे होते हैं नॉक इन। बेसिकली यानी ये जीन जो है वो प्लेस की गई है। नॉकआउट का मतलब क्या होता है, जब कोई म्यूटेटेड जीन जो है वो रिमूव की जाती है या इनएक्टिवेट की जाती है पर्टिकुलर DNA के सेगमेंट पे से, तो इसे हम कह रहे होते हैं नॉकिंग आउट। ठीक है, यानी क्या होता है कि आप म्यूटेटेड जीन जो है उसको नॉकआउट कर दें, इनएक्टिवेट कर दें, या आप उसको रिमूव कर दें, एंड देन नॉक इन ऑन द नॉर्मल कॉपी ऑफ द जीन, और नॉक इन कर दें जो नॉर्मल कॉपी है, जो नॉर्मल नॉर्मली फंक्शनल प्रोटीन बना रही है, उसको आप नॉकिंग कर दें। तो बेसिकली ये टर्म होती है नॉकिंग आउट, नॉक आउट और नॉक इन। ठीक है, तो नॉकआउट का मतलब होता है कि म्यूटेटेड कॉपी ऑफ जीन को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, और उसकी जगह नॉक इन कर दिया जाए, किसे कर दिया जाए, जो नॉर्मल कॉपी है जीन की। अगर आगाज देखो जीन थेरेपी का, तो सबसे पहले जो जीन थेरेपी का ट्रायल हुआ था ना, सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो 1990 में हुआ था US के अंदर,
और एक बच्चा था बेसिकली उसको उस पर ट्रायल किया गया था फॉर वो जो है वो सीवियर इम्यून कम्बाइन डिसऑर्डर का शिकार था, स्किड जिसे हम कह रहे होते हैं। तो स्किड में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जो एडीनोसाइन डीएमआईएन इसकी जीन है वो डिफेक्टिव होती है। अच्छा, अब ये जो जीन है एडी है ये जो है वो एटीपी की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। तो अगर एटीपी मेटाबोलाइज नहीं होता तो ये एटीपी क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं और उसके नतीजे में क्या होते हैं कि जो बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट्स हैं उन वो उसकी बॉडी के अंदर जो अमाउंट है वो कम होती चली जाती है। क्यों? बिकॉज ये जो एक्यूमुलेशन होती है एटीपी की टॉक्सिक होती है टी लिम्फोसाइट्स के लिए। और जो टी लिम्फोसाइट्स के लिए इसकी एक्यूमुलेशन टॉक्सिक होती है उसकी वजह से होता क्या है कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका ट्रायल पहली दफ़ा किया गया था और मेजोरिटी ऑफ द जीन थेरेपी के ट्रायल थे। वो ज़्यादातर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में परफॉर्म किए गए हैं और किए जा रहे हैं। ठीक है, और अगर तुम देखो तो ऑलमोस्ट अब तक सबसे ज़्यादा जो जीन थेरेपी की ट्रायल जो है वो परफॉर्म किए गए हैं और सबसे ज़्यादा जो अप्रूव हुए हैं जीन थेरेपी के ट्रायल वो तमाम के तमाम कैंसर बेस्ड जीन थेरेपी ट्रायल्स हैं। मतलब जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए जीन थेरेपी के ट्रायल किए गए उनको अप्रूव किया गया है। ठीक है, तो यानी अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा जिस पर काम हो रहा है, ऑफ कोर्स मैंने बताया था कि हम पहले भी उसको डिस्कस कर चुके हैं, बेसिकली कैंसर के पीछे भी क्या होता है, आपकी बहुत सारी जीन्स हैं जो कि जैसे P53 है जो क्या कह रही होती है सेल को बाकायदा प्रोग्राम सेल डेथ की तरफ लेके जा रही होती है, उसको प्रोलिफ्रेशन से रोक रही होती है, सेल साइकिल से एग्जिट कर रही होती है। तो P53 की जो जीन है अगर वो म्यूटेट हो जाए तो होगा क्या, सेल अपनी सेल साइकिल एग्जिट ही नहीं करेगा। जब सेल सेल साइकिल एग्जिट ही नहीं करेगा तो वो क्या होता रहेगा, प्रोलीफ्रेट होता रहेगा। प्रोलीफ्रेट होता रहेगा तो वो क्या कर लेगा, वो एक जो है वो ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, वो ट्यूमर बना लेगा क्योंकि वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि उसकी जो एबिलिटी है स्टॉप होने की, वो स्टॉप होने की एबिलिटी उसकी खत्म हो चुकी है। उसका क्यों खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसके पीछे जो जीन है जो बेसिकली सेल साइकिल सप्रेसर्स कहलाते हैं सबके सब, P53 है, RB है, तो ये सेल साइकिल सप्रेसर्स अगर क्या हो जाए म्यूटेट हो जाए तो इसके नतीजे में क्या होता है कैंसर फॉर्म हो रहा होता है। तो एक बहुत ही कॉमन रीजन है कैंसर का, ट्यूमर का। तो सबसे ज्यादा जो ट्रायल्स हो रहे हैं क्लिनिकल वो ज्यादातर जो है वो कैंसर को ट्रीट करने के लिए हो रहे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स में। और जो ज्यादातर अप्रूवल भी आया है जीन थेरेपी के ट्रायल्स का वो कैंसर बेस्ड जीन थेरेपी है। अच्छा, अगर जीन थेरेपी टाइप्स देखें तो बेसिकली जीन थेरेपी जो है ना वो दो डिफरेंट सेल लाइंस को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी एक कहलाती है, इसे कह रहे होते हैं जर्म लाइन जीन थेरेपी, और दूसरी कहला रही होती है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। अब जर्म लाइन जीन थेरेपी बेसिकली क्या है, जर्म लाइन लव्स जर्म लाइन से पता चल रहा है कि ये बेसिकली बात कर रहे हैं जो आपकी बॉडी के इनिशियल सेल्स हैं, यानी जो आपके जो गैमेट्स हैं उसकी बात हो रही है। क्या मतलब है जर्म लाइन जीन थेरेपी में क्या किया जाता है, जर्म लाइन जीन थेरेपी का मतलब ये होता है कि आप जो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, जो आप जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और रिप्लेस कर रहे हैं, वो डायरेक्टली कहाँ कर रहे हैं, वो डायरेक्टली गैमेट्स में कर रहे हैं। वो जो आपके इनिशियल जो आपके एग्स और स्पर्म्स हैं आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं करेक्टेड जीन को। यानी आप जर्म लाइन के अंदर क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं और रिप्लेस कर रहे हैं म्यूटेटेड कॉपी ऑफ जीन को विद द नॉर्मल कॉपी ऑफ जीन के साथ। ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा फायदा है ये होता है कि ये जो चेंजेस हैं ये परमानेंट होती हैं। ऑफ कोर्स अगर आप जर्म लाइन में चेंजेस करते हैं तो उसके बाद, क्योंकि जो जर्म लाइन सेल्स हैं बेसिकली अगर आप देखो तो जब जायगॉट फॉर्मेशन होती है, जायगॉट फॉर्मेशन के बाद डिफरेंट स्टेजेस आती हैं डेवलपमेंट की, तो ये सारा का सारा जो स्टार्ट हुआ है वो एक ही सेल से स्टार्ट हुआ है ना। तो अगर उस सेल में मैनिपुलेशन हो चुकी है, वो सेल में करेक्टेड कॉपी है जीन की, तो उसके नतीजे में होगा क्या, ये जो चेंज है ये हेरिटेबल होगा, मतलब ये इनहेरिट होगा आगे, मतलब ये जनरेशन तक चलेगा। यानी ये जनरेशन में भी, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के भी फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बहुत सारे जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर हैं जिसमें वो फैमिलीज में रन हो रहे होते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, तो जर्म लाइन जीन थेरेपी अगर की जाए तो उसके नतीजे में होगा क्या कि वो जो डिसऑर्डर फैमिली में रन हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों?
स्टॉप इस वजह से हो जाएगा क्योंकि अगर एगोस्पर्म सेल्स के अंदर मैनिपुलेशन कर दी जाए, जीन थेरेपी कर दी जाए, तो जो बेसिक सेल्स हैं यानी जिन्होंने आगे जाकर प्रोलीफरेट होना है, जिन्होंने फर्दर जायगॉट फॉर्म करना है, जिन्होंने फर्दर जायगॉट के बाद एम्ब्रियो फॉर्म करना है, पूरे डेवलपमेंट स्टेज से गुजर के बेबी बॉर्न करना है, तो ये बेसिकली आगे इनहेरिट होगा जनरेशन टू जनरेशन ना, ठीक है। तो जो जर्मलाइन जीन थेरेपी में, जर्मलाइंस में जो जीन थेरेपी की जाती है वो बेसिकली परमानेंट होती है, और ये जो है इसके जो इफेक्ट्स हैं वो इनहेरिट हो रहे होते हैं मल्टीपल जनरेशन तक, आगे जनरेशन से चल रहे होते हैं। और इसका एक फायदा एक जो है वो ये होता है कि किसी पर्टिकुलर फैमिली में अगर कोई डिजीज रन कर रही है तो ये इज अ बेस्ट वे टू स्टॉप दैट डिसऑर्डर इन पर्टिकुलर फैमिली ना। उस फैमिली में इस डिसऑर्डर को आप क्या किया जा सकता है, स्टॉप किया जा सकता है, उस फैमिली से रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि जर्म लाइन जीन थेरेपी जो है वो इस वक्त कम्प्लीटली बैंड है। इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत सारे सबसे ज़्यादा सेफ्टी इश्यूज हैं, फिर एथिकल इश्यूज हैं, और बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज भी हैं। ऐसा नहीं है कि इट इज़ ईजी टू परफॉर्म जर्म लाइन जीन थेरेपी, जर्म लाइन जीन थेरेपी आसान भी नहीं परफॉर्म करना, उसके अंदर टेक्निकलिटीज़ भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इशूज़ हैं उस पर वो सेफ्टी और एथिक्स के हैं, ठीक है, एथिकल हैं। और इसमें अगर आप देखो तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में रेस हुई है, और बहुत सारी जो कम्युनिटीज हैं उसके अगेंस्ट हैं, और इसको बहुत सी कम्युनिटीज इसको कह रही होती है कि ये दिस इज अननेचुरल ना, और ये बेसिकली एक तरह से कह लें कि आप जो खुदा उसके साथ खेलने वाली बात है कि आप खुदा के साथ, खुदा एक जो कानून है जो अल्लाह ताला ने कानून बनाए हुए उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे कंसर्न हैं जिसकी वजह से जर्म लाइन जीन थेरेपी बैंड है, ठीक है। जर्म लाइन जीन थेरेपी जो है वो वायबल नहीं है, अलाउड नहीं है, ठीक है। और इसके पीछे जो है वो बहुत सारे इथिकल इश्यूज, सबसे ज्यादा इथिकल इश्यूज हैं, इसके अलावा सेफ्टी के इश्यूज भी हैं और टेक्निकल रीजंस भी हैं। दूसरी जो टाइप है वो कहलाती है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। अब देखो सोमैटिक सेल से पता चल रहा है हम ये बात कर रहे हैं बॉडी के नॉर्मल जो सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, हम उसकी बात कर रहे हैं। सोमैटिक सेल जीन थेरेपी के अंदर अगर आप देखो क्या किया जाता है, जो जीन थेरेपी की जाती है वो डायरेक्टली सोमैटिक सेल्स में की जाती है। अब देखो बॉडी जब एक दफा डेवलप हो जाती है, ठीक है, बेबी एक दफा बॉर्न हो जाता है, डेवलप हो जाता है, और हम वी बिकम एडल्ट ना, हम एडल्ट हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी के तमाम सेल्स सोमैटिक सेल्स ही कहलाते हैं, ठीक है। क्यों? अब सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स के अंदर, जर्म लाइन सेल्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है अगर देखो तो जर्म लाइन सेल्स सोमैटिक सेल्स में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि सोमैटिक सेल्स में की जाने वाली चेंजेस या सोमैटिक सेल्स में होने वाली चेंजेस या होने वाली जीन थेरेपी के जो रिजल्ट्स हैं या जो जो भी मैनिपुलेशन सोमैटिक सेल्स में की जा रही है वो इनहेरिट नहीं हो सकती, वो आगे नहीं जा सकती, वो इस पर्टिकुलर जनरेशन में ही रहेंगी जिसमें सोमैटिक सेल जीन थेरेपी की जा रही है। क्या मतलब? जिसमें सोमैटिक सेल्स में जीन जो है वो प्लेस की जा रही है, नॉर्मल जीन प्लेस की जा रही है, और जो डिफेक्टिव जीन उसको रिमूव किया जा रहा है वो उसी जनरेशन में रहेगी, वो आगे मूव नहीं करेगी, ठीक है, इनहेरिट नहीं होगी। आमतौर पर सोमैटिक सेल जीन थेरेपी की जा रही होती है अगर आप देखो बोन मैरो के सेल्स के अंदर की जा रही होती है, स्किन सेल्स में की जा रही होती है, ब्लड सेल्स के अंदर की जा रही होती है, तो ये तमाम की तमाम क्या हो रहा होता है सोमैटिक सेल्स में। और इस वक्त जो ऑलमोस्ट 99% जो रिसर्च है वो तमाम की तमाम जो उसका फोकस है, जो उसका उसकी जो डायरेक्शन है वो बेसिकली सोमैटिक सेल जीन थेरेपी के ऊपर ही है। अगर मैं जीन थेरेपी की बात करूं तो क्योंकि जर्म लाइन जीन थेरेपी वो ऑलमोस्ट वो अलाउ नहीं है, तो वो बैंड है ड्यू टू एथिकल इश्यूज। ये एक अलग बात है कि अनऑफिशियल वो हो रही है लेकिन ऑफिशियली इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी ही सबसे ज्यादा जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा होता है। एक सोमैटिक सेल जीन थेरेपी का एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये भी होता है कि ये शॉर्ट लाइव्ड होती है। शॉर्ट लाइव का मतलब क्या होता है? शॉर्ट लाइव का मतलब ये होता है कि क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टिश्यूज को टारगेट कर रही होती है, पर्टिकुलर सेल्स को टारगेट कर रही होती है, तो होता क्या है कि अब आपको पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स का एक पीरियड होता है, यानी उनकी एक लाइफ साइकिल होती है, उनकी एक हाफ लाइफ होती है कह लो, या लाइफ साइकिल होती है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड गुजारने के बाद वो क्या हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं और न्यू सेल्स उनको क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है।
तो जब न्यू सेल्स रिप्लेस कर लेते हैं इन सेल्स को, तब होता क्या है, जो जीन थेरेपी होती है वो तो इन पर्टिकुलर सेल्स में हुई है, सोमैटिक सेल्स में हुई है, और सोमैटिक सेल्स तो फर्दर पास ऑन नहीं करते, ये तो इनहेरिट नहीं कर रहे होते फर्दर ऑन। तो ये एक इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि ये जो जीन थेरेपी है, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, शॉर्ट लाइफ होती है, यानी इसके मल्टीपल सेशन आपको, मतलब अगर आप कोई किसी डिसऑर्डर के अगेंस्ट, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, डिफरेंट कैंसर्स के अंदर, तो मल्टीपल इसके जो है वो की ट्रीटमेंट्स होती हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये जो है वो जस्ट वन शॉट के अंदर जो भी डिफेक्ट है वो करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इसके भी डिफरेंट, तो क्योंकि ये शॉर्ट लाइफ होती है तो इसके भी मल्टीपल सेशंस होते हैं, और क्योंकि सेल उसकी शॉर्ट लाइफ होने की भी चाहिए वजह होती है कि वो सेल जो है वो शॉर्ट लाइफ सेल्स की जो लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है, और नए सेल्स आ जाते हैं, तो नए सेल्स में तो ये ऑफकोर्स जीन मौजूद नहीं होती है, तो ये एक इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। एक और थोड़ा सा जो इसमें टेक्निकल इशू आता है वो ये आता है कि जो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी की जाती है वो क्योंकि पर्टिकुलर सेल्स में की जाती है, तो उन पर्टिकुलर सेल्स को टारगेट करना, ठीक है, स्पेसिफिकली ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है, और उस उन सेल्स के अंदर पर्टिकुलर जीन को प्लेस कराना, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, जो कि टेक्निकल प्रॉब्लम होता है जो कि फेस करना होता है इसमें। इस वक्त सोमैटिक सेल जीन थेरेपी ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल है और उस अप्रूव भी हो चुकी है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए जो है वो अप्रूव है जीन थेरेपी, इस तरह मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो मसल्स का डिसऑर्डर है बेसिकली, जिसमें बेसिकली बॉडी के जो जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं फॉर्म नहीं हो रहे होते हैं, वो जो बोन्स एंड दे बिकम वेरी वीक, ठीक है, कैंसर्स के अंदर और कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं उसके अंदर जो है वो जीन थेरेपी जो है उसके उसकी जो है वो प्रोटोकॉल अप्रूव्ड हैं, और वो प्रोटोकॉल जो है वो इन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज किए जा रहे होते हैं। अब जीन थेरेपी की तो दो टाइप्स होती हैं जो कहलाती हैं, हमने पढ़ी जर्मलाइन और सोमैटिक। अच्छा, अगर आप सोमैटिक सेल की बात, जीन थेरेपी की बात करें, तो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी भी अगर हम देखें तो उसकी भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, या आप कह लें कि उसके दो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं या टू डिफरेंट टाइप्स हैं आप कह लें सोमैटिक सेल जीन थेरेपी की, वो क्या है, तो एक उनमें से कहलाती है इन वीवो जीन थेरेपी, ठीक है। अब इन वीवो के वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि ये ऑफ कोर्स ऐसी सोमैटिक सेल जीन थेरेपी है, यानी इसमें क्या किया जा रहा है, इन वीवो क्या मतलब है, इन वीवो का मतलब नॉर्मली क्या होता है कि इन बॉडी, यानी एक चीज इन जो सेल्स हैं, जो एक चीज है जो भी बॉडी में, वो बॉडी में मौजूद है, यानी इन नेचुरल स्टेट है, कोई टिश्यू है तो नेचुरली बॉडी में मौजूद है, तो हम इन वीवो के टर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन बॉडी के लिए। जब कोई भी एक्सपेरिमेंट बॉडी में परफॉर्म किया जा रहा हो, यानी उसकी नेचुरल स्टेट में, नेचुरल फॉर्म में परफॉर्म किया जा रहा हो, तो हम उसे इन वीवो कह रहे होते हैं, ठीक है। तो इन वीवो जीन थेरेपी एक कहलाती है सोमैटिक सेल की टाइप है, और दूसरी कहलाती है एक्स वीवो, ठीक है। अब इन वीवो में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली जो डिलीवरी है वो थेरेपेटिक जीन को डायरेक्ट डिलीवर किया जा रहा होता है पेशेंट की बॉडी में, टारगेटेड एरिया में, जो भी टिश्यू को, जो भी सेल्स को टारगेट करना है उस एरिया में क्या किया जा रहा होता है, डायरेक्टली जो है वो क्या की जा रही होती है, जीन थेरेपी की जा रही होती है, थेरेपेटिक जीन को ट्रांसफर किया जा रहा होता है। ऑफकोर्स इस ट्रांसफर के लिए कोई ना कोई व्हीकल रिक्वायर्ड होता है, इस ट्रांसफर के लिए कोई ना कोई डिलीवरी के लिए जो है वो कह लो कि कैरियर रिक्वायर्ड होता है, तो ये जो बेसिकली कैरियर्स हैं, ये जो व्हीकल्स हैं, ये वायरल और नॉन वायरल वेक्टर्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है किसके लिए, थेरेपेटिक जीन को प्रॉपरली टिश्यूज में इंसर्ट कराने के लिए, ठीक है। अभी हम देखेंगे कौन कौन से वायरल और नॉन वायरल वेक्टर सिस्टम है जो जीन थेरेपी में कॉमनली यूज होता है, बहुत सारे सिस्टम यूज होते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं और मोस्ट कॉमनली जो जीन थेरेपी के लिए, इन वीवो जीन थेरेपी के लिए, जब हम डायरेक्टली पेशेंट की बॉडी को टारगेट कर रहे होते हैं और उसके अंदर स्पेसिफिक टिश्यूज को टारगेट कर रहे होते हैं, तो कौन से सिस्टम जो है, कौन से डिलीवरी व्हीकल जो है हम यूज कर रहे होते हैं। आमतौर पे जो इन वीवो जीन थेरेपी की जाती है वो उस वक्त की जा रही होती है कि जब ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप पेशेंट के पर्टिकुलर टिश्यू को लें, ठीक है, और उसको टिश्यू को लें और उसको लैब में कल्चर कर लें और फिर वहाँ पे, अब जैसे ब्रेन है, ठीक है ना, तो इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है, वैसे भी
जो जितने भी डिसऑर्डर्स, जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, अल्जाइमर है और डिफरेंट डिसीज है और दूसरे डिसऑर्डर्स हैं, तो इन डिसऑर्डर्स के अंदर ऑफ कोर्स आप ब्रेन को तो बॉडी से आउट कर नहीं सकते, क्या आप उसको कल्चर कर लें, वहाँ पे मैनिपुलेशन कर दें, वहाँ ये थेराप्यूटिक जीन इंसर्ट कर दें और दोबारा से ब्रेन को क्या करें, प्लेस कर दें वापस जो है वो कहने हेड के अंदर, तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो आमतौर पे ऐसे टिश्यूज जो बॉडी से रिमूव नहीं किए जा सकते या उनको जो है वो लैब में कल्चर नहीं किया जा सकता, तो ये आमतौर पे जो इन वीवो जीन थेरेपी है ये ऐसे पेशेंट्स के लिए की जा रही होती है। साथ साथ एक बात तो कल्चर नहीं की जा सकती, दूसरा ये सेल्स री इम्प्लांट नहीं की जा सकते, वापस नहीं की जा सकते, यानी वापस पेशेंट की बॉडी में प्लेस नहीं की जा सकते। तो ये अगर आप देखो तो इसका जस्ट एक छोटा सा इसकी रिप्रेजेंटेशन है, स्कीमेटिक है जो बता रही है कि किस तरह से थेराप्यूटिक जीन्स को इंसर्ट किया जा रहा था किसी भी जीन वायरल जीन किसी भी वहीकल को लेके, चाहे वायरल हो या नॉन वायरल हो, ठीक है, वहीकल को यूज किया जा रहा होता है, इस पर फर्दर क्या किया जा रहा होता है। अब ये जो थेराप्यूटिक जीन है इसको इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद क्या होता है, स्पेसिफिकली टारगेट ऑफ कोर्स जो भी टिश्यू है उसको टारगेट किया जा रहा होता है। देन होता है कि ये जो थेराप्यूटिक जीन है ये इंसर्ट हो जाती है बेसिकली, और ये इनकॉर्पोरेट होने के बाद क्या करती है, अपना नॉर्मल फंक्शन करना परफॉर्म करना शुरू कर देती है। इस तरह से ये इन विवो जीन थेरेपी की जा रही होती है। जो दूसरी टाइप है वो एक्स वीवो है, ठीक है। एक्स वीवो थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि एक्स वीवो से मुराद क्या है, कि आप नेचुरल कंडीशन से जो नेचुरल स्टेट है बॉडी की वहां से टिश्यूज को रिमूव कर रहे हो, सेल्स को रिमूव कर रहे हो और उनको कल्चर कर रहे हो लैब में, ठीक है, लैब में उनको कल्चर बॉडी से उसको जो नेचुरल स्टेट है वहां से उसको क्या किया जा रहा है, सेल्स को, सेल्स टिश्यूज, ऐसे टिश्यूज जिसमें कोई ना कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, यानी कोई ना कोई जीन एबनॉर्मल एबनॉर्मली परफॉर्म कर रही है, फंक्शन कर रही है, उसको आप वहाँ से क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, उसको फर्दर कल्चर कर रहे हो लैब के अंदर, फिर उसमें मैनिपुलेशन कर रहे हो, यानी थेरेप्यूटिक जीन इंसर्ट कर रहे हो। कोर्स यहाँ पर भी आपको डिफरेंट वैक्टर्स यूज करने पड़ते हैं, आमतौर पर वायरल वैक्टर्स यूज किए जा रहे होते हैं, और फिर फर्दर ये जो सेल्स हैं जिनको आप ट्रांसफॉर्म कर चुके हो, इनको ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप क्या करते हो, इनको फर्दर जो है वो पेशेंट के अंदर क्या कर देते हो, इम्प्लांट कर देते हो। तो एक्स वीवो जीन थेरेपी में क्या हो रहा था कि आप क्या करते हैं, आप देखे तो यहाँ स्टेप्स लिखे हुए हैं, क्या होता है कि आप पहले आइसोलेट कर लेते हैं पेशेंट से, ठीक है, ऐसे सेल्स जिनमें कोई ना कोई डिफेक्टिव जीन है, उसके बाद इन सेल्स को आइसोलेट करने के बाद इसको ग्रो किया जाता है कल्चर में, ठीक है, क्यों किया जाता है, ताकि क्या की जा सके, थेरेपेटिक जीन को इंसर्ट किया जा सके, ठीक है, और फिर फर्दर क्या किया जाता है, यूजिंग कोई ना कोई वायरल वेक्टर यूज किया जाता है जिससे इंसर्ट की जाती है थेरेपेटिक जीन। उसके बाद ये सेल्स जब ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ठीक है, इन्हें दोबारा से कल्चर किया जाता है या कह लो एक तरह से सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये जीन ट्रांसफॉर्म हो गई या नहीं हो गई है, सही, तो आप क्या करते हैं अपनी जीन के साथ कोई ना कोई मार्कर यूज करते हैं जिससे आपको ये पता चल जाता है कि भाई ये जीन मैंने जो इंसर्ट की है ये वहाँ पे प्रॉपरली क्या हो चुकी है, इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है, यानी आप दोबारा से जिन सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उन सेल्स को दोबारा से कल्चर करके मेक श्योर करते हैं कि हाँ भाई इसमें जो जीन है, नॉर्मल जीन है, थेरेप्यूटिक जीन है, वो क्या हो चुकी है, ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, ये जो सेल्स हैं, ठीक है, इनको ये जो सेल्स हैं जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन की है इनको दोबारा से री इम्प्लांट कर देते हैं पेशेंट के, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्स वीवो जीन थेरेपी एक्सोसोमैटिक सेल थेरेपी की जा रही है। अगर इसका भी अगर मॉडल देखो तो ये इसकी भी स्कीमेटिक है मौजूद है, तो ये इसकी स्कीमेटिक है जो बता रही है कि आपने क्या किया पहले के आपने सेल्स जो है वो कल्चर किए हैं, ये जो कल्चर सेल्स हैं ये आपने सेल्स जो है वो आइसोलेट किए बॉडी से, कल्चर किए हैं, फिर जो है वो क्या किया, ये जो जीन आपने इंसर्ट किया था वायरल वेक्टर में उसको क्या किया, ट्रांसफर किया है, ठीक है। अब ट्रांसफर करने के बाद क्या हुआ है, ट्रांसफर करने के बाद क्या किया है, उन सेल्स को सेलेक्ट किया है, ठीक है, जो है, और देन फर्दर इनको बॉडी में दोबारा से क्या कर दिया गया है, री इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, इम्प्लांट कर दिया गया है। तो ये दो डिफरेंट टाइप्स हैं, आप इसको कह लो ये दो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं या टू डिफरेंट मेथड्स हैं
जो कि यूज किए जा रहे होते हैं जीन थेरेपी करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम अच्छा अब ये इनमें दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ये क्यों होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत सारे जो जीन थेरेपी के की जो टारगेट्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं जिनमें थेरेपी करनी होती है, यानी वो पॉसिबल नहीं होता है ऐसा कि उनको कल्चर किया जा सके। तो ऐसे ऑर्गन्स के अंदर क्या किया जा रहा था, इन वीवो जीन थेरेपी की जा रही होती है। इन वीवो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी की जा रही होती है और ऐसे ही ऑर्गन्स या ऐसे टिश्यूज जिनको बॉडी से रिमूव किया जा सकता है और दोबारा इम्प्लांट, जैसे बोन मैरो है उसको रिमूव किया जा सकता है, दोबारा इम्प्लांट किया जा सकता है, तो उसको दोबारा से ब्लड सेल्स हैं दोबारा से उनको भी इम्प्लांट किया जा सकता है। तो इनमें क्या किया जा रहा होता है, एक्स वीवो जीन थेरेपी जो है वो जो डिफरेंट मैथड है वो यूज किया जा रहा होता है। तो दोनों केसेस में सोमैटिक सेल्स को ही टारगेट किया जा रहा होता है और सबसे ज्यादा जो जो जीन थेरेपी की ट्रायल्स हो भी रहे हैं वो तमाम के तमाम जो है वो सोमैटिक सेल्स फोकस्ड हैं, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी फोकस्ड हैं, और इसके अलावा दूसरे जो जीन थेरेपी है वो आम तौर पर परफॉर्म नहीं हो रही होती है। अच्छा, अब कौन कौन से वेक्टर्स हैं, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि किस तरह से जो है वो थेरेपेटिक जीन को ट्रांसफॉर्म किया जाए, किस तरह से थेरेपेटिक जीन को इंसर्ट किया जाए, किस तरह से थेरेपेटिक जीन को इनकॉर्पोरेट किया जाए टारगेटेड सेल्स में। ठीक है, तो ये जो है विदाउट अ वेक्टर जो है वो मुमकिन नहीं है। सही है, वेक्टर बेसिकली हम कह रहे होते हैं एक ऐसे वेक्टर का मतलब बेसिकली वेहीकल होता है, यानी एक ऐसा कह लो एक ऐसी चीज जो कि क्या करे आपके आपके जीन को क्या करे जो है वो प्लेस कर दे ले जाके टारगेटेड सेल्स में। ठीक है, तो ये बेसिकली डिलीवरी व्हीकल्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि आपकी टारगेटेड जीन को ले जाके जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दे, आपकी जीन को ले जाके इनकॉर्पोरेट कर दे सेल्स के अंदर और देन जो है वो वहां से सेफली रिमूव हो जाए। अच्छा, अब ये जो वेक्टर्स हैं जो आमतौर पर ये जो डिलीवरी व्हीकल्स हैं जो यूज किए जा रहे होते हैं, ये दो क्लासेस हैं इसकी, वायरल वेक्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं और नॉन वायरल वेक्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं जीन थेरेपी के लिए। ठीक है, अच्छा जो वायरल वेक्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं जीन थेरेपी के लिए आमतौर पर, अच्छा जो वायरसेस हैं अगर आप देखो वो क्यों कॉमनली इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, वायरसेस इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं एज अ वेक्टर जीन थेरेपी में, क्योंकि अगर आप वायरस को देखो तो वायरस जो है वो नेचुरली उसके अंदर एबिलिटी होती है सेल्स को इन्फेक्ट करने की। ठीक है, नॉर्मली भी अगर सेल्स वायरस को देखो तो वायरस क्या करता है, वायरस आप जो है वो सेल की सरफेस पे आके सेल मेम्ब्रेन पे आके जो है वो अटैच होता है, अटैच होने के बाद वो क्या करता है अपना जो जीनोम है डीएनए है या आरएनए है, अगर डीएनए वायरस तो डीएनए और आरएनए वायरस तो आरएनए, उसको बकायदा क्या कर रहा होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेलुलर सेल जो सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है उससे उसको पास ऑन करता है इनसाइड और क्या करता है वो जो आरएनए डीएनए वो क्या करता है जाके इनकॉर्पोरेट कर लेता है सेलुलर डीएनए के साथ, जो सेल का डीएनए उसके साथ। तो ये जो वायरसेस होते हैं तो नेचुरली क्या कर रहे होते हैं, ये काम कर रहे होते हैं, इसलिए आमतौर पर वायरसेस की पहले पैथोजेनेसिटी को खत्म किया जाता है और देन इनकी जो ये एबिलिटी होती है इन्फेक्टिविटी की, यानी जो इन्फेक्शन की जो एबिलिटी होती है, मतलब ये जो जाके टारगेट करते हैं और जो इनकॉर्पोरेट करते हैं, इनकी इस एबिलिटी को यूज किया जा रहा होता है अपनी जीन को किसी तरह से सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए। ठीक है, आमतौर पर जो कॉमन वैक्टर्स हैं, कॉमन वायरसेज हैं जो एज अ वैक्टर इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, वो जो वायरसेज हैं वो कौन कौन से हैं आमतौर पे जो जीन थेरेपी के अंदर कॉमन वायरसेस हैं जिन्हें आप कह लो जिनकी पैथोजेनेसिटी को ख़त्म करके यूज किया जा रहा होता है, वो रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस बेसिकली एक आरएनए वायरस है, इस तरह एडीनो वायरस है, एक डीएनए वायरस है, और इस तरह एडीनो एसोसिएटेड वायरस ये भी इसी फैमिली से है और ये भी एक डीएनए वायरस है। ये तीन है जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल हो रहे होते हैं और भी हैं जो कि जीन डिलीवरी के जीन थेरेपी के अंदर और जीन डिलीवरी में यूज हो रहे होते हैं, लेकिन ये जो तीन हैं ये बहुत कॉमन इस्तेमाल हो रहे होते हैं।
जहाँ पे वायरल वेक्टर्स के एडवांटेजेस हैं जीन ट्रांसफर के अंदर, वहीं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस में एक बात ये भी है। तो सबसे मेजर 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 अगर आपको ड्रॉबैक नज़र आएगा, सबसे ज़्यादा मेजर ड्रॉबैक अगर नज़र आएगा वायरल वेक्टर यूज़ करने का, तो वो दो इश्यूज़ हैं। पहली बात है कि ये जो वायरसेज हैं ये हमेशा बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ये हमेशा इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर रहे होते हैं, ये ट्रिगर कर रहे होते हैं इस तरह से। तो दूसरा इनका एक प्रॉब्लम है जो ड्रॉबैक है वो क्या है, साइटोटॉक्सिसिटी। साइटोटॉक्सिसिटी बेसिकली आपको पता है साइटोटॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है, कि ये सेल के लिए टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो ये साइटोटॉक्सिसिटी भी क्या समटाइम जो है वो कॉज कर रहे होते हैं, यानी जिस सेल को इन्फेक्ट, जिस सेल में ये इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं आपके टारगेट जीन, वहाँ पर ये उस सेल समटाइम्स क्या होता है कि ये साइटोटॉक्सिसिटी का बायस भी बन जाते हैं, सेल के डैमेज का बायस भी बन जाते हैं, सेल डिस्ट्रक्शन का बायस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये दो सबसे ज़्यादा अगर आप देखो जो हर्डल्स हैं या ड्रॉबैक्स हैं किसी भी वायरल वेक्टर को यूज़ करने की, वो यही है कि बॉडी के अगेंस्ट, बॉडी के अगेंस्ट इम्यून रिएक्शन देती है, ठीक है, और दे आर समटाइम दे बिकम साइटोटॉक्सिक ना, ठीक है। ज़्यादा जो जीन थेरेपी के ट्रायल्स हैं वो आरएनए वायरस को लेके किए जाते हैं, यानी ये जो रेट्रो वायरसेस हैं इसको लेके किए जा रहे होते हैं, इन्हें आरएनए वायरस को रेट्रो वायरसेस भी, रेट्रो वायरसेस को आरएनए वायरसेस बेसिकली होते हैं। और जो आमतौर पर आरएनए वायरस की जब हम बात करते हैं तो उससे मुराद रेट्रो वायरसेस ही होते हैं कॉमनली, ना। अच्छा ठीक है, ये दो बातें याद रखने वाली हैं कि ये बेसिकली इनके जो मेन ड्रॉबैक्स हैं वो क्या होते हैं, इम्यूनोजेनिसिटी और साइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। अच्छा अच्छा जो ये जो रेट्रो वायरसेस होते हैं, जो आरएनए वायरसेस होते हैं, अब ऑफकोर्स ये तो खुद आरएनए है, ठीक है, तो इनका तो आरएनए जीनोम होता है, ठीक है। अब आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो थेरेप्यूटिक जीन है जिसको इनकॉर्पोरेट करना है सेल के अंदर, इट इज अ डीएनए, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इट्स नॉट इन द आरएनए फॉर्म ना, वो तो डीएनए के फॉर्म में डबल स्ट्रैंडेड है। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो आरएनए वायरल जीनोम है इनको भी पहले कॉपी किया जाता है, यानी इनको पहले डीएनए सीक्वेंस में कन्वर्ट किया जा रहा होता है, ठीक है, ठीक है। यानी इसमें थेरेप्यूटिक जीन इंसर्ट करने से पहले जो आरएनए वायरसेस होते हैं उन आरएनए वायरसेस को भी पहले क्या किया जाता है, इनके जीनोम को डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया जाता है, डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद जो सेल्स हैं, जो आपकी थेरेप्यूटिक जीन है जिसको आप इंसर्ट करा रहे हैं, उसके बाद उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ठीक है। ये इसको डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने से इसकी जो सेल के अंदर इनकॉर्पोरेशन की एफिशिएंसी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से इनकॉर्पोरेट करता है। और इसी तरह से ये जाके जब ये वेक्टर्स टारगेट करते हैं सेल्स को, तो वहाँ ये अगर डीएनए के फॉर्म में हो तो ये जब भी उसको उसकी जो इनकॉर्पोरेशन की डीएनए में, सेलुलर डीएनए में इनकॉर्पोरेशन की एबिलिटी है, उसको ये किसी भी तरह हार्म नहीं कर रहा होता इसकी डबल स्ट्रैंड फॉर्म में, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, पहले आरएनए की जो वायरल जीनोम है रेट्रोवायरस के अंदर उसको क्या कर लिया जाता है, डीएनए में कन्वर्ट कर लिया जाता है, फिर थेरेप्यूटिक जीन को इंसर्ट किया जाता है, प्लेस किया जाता है इस फैक्टर्स की जीनोम के साथ, एंड देन उसको फिर फर्दर ट्रांसफेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा एक और बात ये भी कि ये जो रेट्रोवायरसेस हैं आमतौर पे ये जो है आमतौर पे जो ब्लड के सेल्स जैसे बोन मैरो के अंदर जो है वो डायरेक्टली इन वीवो जीन थेरेपी के लिए रेट्रोवायरस को यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें आमतौर पे क्या किया जाता है कि जैसे बोन मैरो है तो बोन मैरो के सेल्स को बॉडी से इन वीवो नहीं सॉरी एक्स वीवो के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, यानी बोन मैरो के सेल्स को बॉडी से आइसोलेट किया जाता है, देन उसको रेट्रोवायरस से इन्फेक्ट किया जाता है विद थेरेप्यूटिक जीन, और उसके बाद फर्दर उनको बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है। आमतौर पर रेट्रोवायरस इसके बारे में कह रहे होते हैं कि दे आर वेरी फ्रेजाइल, अगर इसको डायरेक्टली हम इन वीवो जीन थेरेपी में यूज करें तो या दे आर वेरी फ्रेजाइल। तो आमतौर पर इन वीवो जीन थेरेपी में रेट्रोवायरस इसको यूज नहीं किया जा रहा होता है, ठीक है। यानी एक्स वीवो जीन थेरेपी में, एक्स वीवो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी में रेट्रोवायरस इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लेकिन इन वीवो
सोमैटिक सेल जीन थेरेपी में रेट्रोवायरस को यूज नहीं किया जा रहा होता है, इसलिए नहीं किया जा रहा होता क्योंकि दे आर मोर फ्रेजाइल, ठीक है। और आमतौर पे होता क्या है इसमें, आमतौर पे जो बोन मैरो और जो ब्लड के सेल्स आइसोलेट किए जाते हैं बॉडी से, आमतौर पे रेट्रोवायरसेस को यूज किया जाता है उन सेल्स में किसी भी जीन को करेक्ट करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए ना। और जब ये सेल्स के अंदर इन सेल्स को कल्चर किया जाता है, जब कल्चर कर लेते हैं, कल्चर करने के बाद दोबारा क्या किया जाता है, इन सेल्स को बॉडी की आर्टरीज में, वेन्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो स्किड है बेसिकली, स्किड मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि स्किड जो है वो सीवियर कम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी है, ये जो डिजीज है इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज है, ये जो स्किड है बेसिकली, इसकी भी ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे सक्सेसफुल वेक्टर है, ठीक है, यानी एडीए की जीन को ट्रांसफर करने के लिए जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वेक्टर है वो जो है वो रेट्रोवायरस ही है, ठीक है। तो रेट्रोवायरस जो है वो यूज किया जाता है एडीए जीन को क्या करने के लिए, पेशेंट्स में जो है वो पेशेंट्स के सेल्स में इनकॉर्पोरेट करने के लिए एडीए जीन को, रेट्रोवायरस को यूज किया जा रहा होता है। और ये सबसे ज्यादा अब तक जीन थेरेपी के जितने ट्रायलों में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एप्लीकेशन है जीन थेरेपी की। जो दूसरे डीएनए वेक्टर्स हैं जो यूज किए जा रहे होते हैं एज अ वेक्टर थेरेपेटिक जीन को ट्रांसफर करने के लिए, उनमें एडीनो वायरस सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है अगर देखें रेट्रोवायरस के बाद। अब ये जो एडीनो वायरस है ये दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा रहा होता है, ये इन वीवो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी में और एक्स वीवो, जो दोनों इसके पैटर्न है, जो दोनों काइंड है, उन दोनों में ये एडीनो वायरस यूज किया जा रहा होता है, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, ठीक है, जो कि जिसकी जो बेसिकली ये इसका जो होस्ट है वो ह्यूमंस होते हैं और दूसरे वर्टिब्रेट भी हैं, तो ये डिफरेंट ह्यूमंस को और दूसरे वर्टिब्रेट्स को टारगेट कर रहा होता है। इसके अलावा ये जो है वो जो ह्यूमंस के अंदर जो है, ह्यूमंस के अंदर जो है ये यूआरटी कॉज कर रहा था। यूआरटी बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो होते हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस कॉज कर रहा होता है ह्यूमंस के अंदर ये। और अगर आप देखो तो ये नॉन इनवैलिड होता है और ये डायरेक्ट ये जो है होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट नहीं करता है ये, क्योंकि इनवैलिड नहीं होता है। दूसरा, इसकी जो एबिलिटी होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट नहीं करता है। इसके अलावा ये अब क्योंकि होस्ट के जीनोम में तो रेप्लिकेट नहीं करता, तो ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म में जाता है सेल के और वहां पे जाके एज एन एपिसोमल एलिमेंट जो है वो रेप्लिकेट कर रहा होता है, ठीक है। यानी क्योंकि इंटीग्रेशन की कैपेसिटी इसकी नहीं होती है, तो ये एज अ एपिसोमल एलिमेंट जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाके क्या कर रहा होता है, इंटीग्रेट कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है अगर आप देखो इसका जो एक्सप्रेशन है वो शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। और क्योंकि शॉर्ट टर्म एक्सप्रेशन होता है तो इसकी जो रिपीटेड ट्रीटमेंट्स हैं, इसकी जो ट्रीटमेंट के की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जो ट्रीटमेंट की जो सेशंस हैं वो मल्टीपल होते हैं, ठीक है, और वो रिपीटेड होते हैं, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके कि जीन एक्सप्रेशन को, यानी जो भी टारगेटेड जीन आप जो है वो एडीनो वायरस के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं उसको क्या किया जा सके, उसके एक्सप्रेशन को सस्टेन किया जा सके, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो है वो रिपीटेड ट्रीटमेंट्स होती हैं, रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है ताकि क्या किया जा सके, एक्सप्रेशन को, टारगेटेड जीन को के एक्सप्रेशन को क्या किया, रिटेन किया जा सके, सस्टेन किया जा सके। आमतौर पे इन वीवो जो जीन थेरेपी की जाती है, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी की जाती है, उसमें आमतौर पे एडीनो वायरल वेक्टर को यूज किया जा रहा होता है। जब भी जो है वो लंग्स को या लिवर्स को या मसल्स को या ब्लड वेसल्स को,
साइनोवियम को या आई को या पेरिटोनियम को या ब्रेन को या डिफरेंट कैंसर्स को जो है ट्यूमर्स को बॉडी में टारगेट किया जा रहा होता है। तो जब इन वीवो टारगेट किया जा रहा होता है तो आमतौर पर इन ऑर्गन्स के अंदर जो है वो एडिनो वायरल वेक्टर को प्रेफर किया जा रहा होता है, वो यूज किया जा रहा होता है। आमतौर पर इसकी जो कैप्सिड प्रोटीन्स होती हैं वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दे रही होती हैं, ऑल्दो कि ये नॉन ऑन्कोजेनिक होते हैं, ये कोई किसी किस्म की क्योंकि जीनोम में इनकॉर्पोरेट तो हो नहीं रहे तो ऑफकोर्स ये वहाँ पे किसी किस्म की म्यूटेशन तो कॉज करते नहीं है, ठीक है। तो ये किसी किस्म का ट्यूमर या कैंसर कॉज नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो रिलेटिवली आप कह सकते हैं कि दे आर सेफ। और दूसरी बात ये कि इनको कल्चर करना आसान होता है, ठीक है, और ईजिली इनको जो है वो क्या किया जा सकता है, लार्ज क्वान्टिटीज में इनको जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है, सही है। और एक और बात ये कि ये जो एडिनो वायरसेस होते हैं, एडिनो वायरल वेक्टर्स होते हैं, ये इनके अंदर एक और कैपेसिटी होती है कि ये जो है वो लार्ज जीन्स को जो है लार्जर जीन्स यानी जो ज्यादा सेगमेंट्स होते हैं, ज्यादा बेस पेयर्स के सेगमेंट्स होते हैं, जो लार्जर जीन्स होती हैं उनको क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो ये उनको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे होते हैं, ऑफकोर्स सेल्स के जीनोम में तो इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे होते, एज एन एपिसोमल एलिमेंट रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, यानी जैसे हम अगर बैक्टीरिया की बात करें, प्रोकैरियोट्स की बात करें, तो वो जो प्लाज्मिड है बेसिकली एक एपिसोमल एलिमेंट है, यानी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट है, तो वो बेसिकली उसके साथ ये इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, उसके साथ जाके ये क्या कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल एज अ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे होते हैं, इसको रेप्लिकेट हो रहे होते हैं। तो ये होता क्या, क्योंकि ये लार्जर जीन्स तो कैरी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंसर्ट नहीं कर रहे होते, तो समटाइम ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लॉस भी हो जाती है। ऑफकोर्स इसीलिए एक्सप्रेशन को सस्टेन करने के लिए रिपीटेड इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। अच्छा, जो पहली जो एडिनो वायरस बेस्ड जो कह लीजिए कि जीन थेरेपी की प्रोडक्ट थी, ठीक है, ठीक है, आमतौर पर लिवर और ओवरीज को कैंसर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, आमतौर पर। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है, मैंने बताया भी पहले भी कि कैंसर आमतौर पर जो कॉज हो रहा होता है उसके पीछे जो सेल साइकिल सप्रेसर्स हैं उसकी म्यूटेशन है, जैसे P53 की जीन की म्यूटेशन है, सही है। तो लिवर के कैंसर में आमतौर पर और ओवरीज के कैंसर में क्या हो रहा होता है कि ये P53 की जीन म्यूटेट हो जाती है। तो पहली जो अप्रूव्ड FDA से अप्रूव्ड प्रोडक्ट है जो 2003 में इंट्रोड्यूस की गई, दैट इज जीन डिसाइन। ना जीन डिसाइन एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें एडिनो वायरल वेक्टर यूज किया गया एज अ डिलीवरी व्हीकल, और जो इस डिलीवरी व्हीकल के साथ जो नॉर्मल जीन इनकॉर्पोरेट की गई है इंसर्ट कराने के लिए वो P53 की जीन है, ठीक है। और ये आमतौर पर ना सिर्फ लिवर और ओवरी से कैंसर को बल्कि हेड एंड नेक कार्सिनोमास को भी ट्रीट करने के लिए जो है वो यूज की जाती है, ठीक है। तो ये पहली अप्रूव प्रोडक्ट है जिसे जीन डिसाइन कहते हैं, ये पहली जीन थेरेपी की अप्रूव प्रोडक्ट है जिसे FDA ने अप्रूव किया हुआ है, और इसको आमतौर पर लिवर के लिए, ओवरीज के और हेड एंड नेक कार्सिनोमास की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा रहा होता है। दूसरे जो वायरस है, वायरल वेक्टर है जो यूज किया जा रहा होता है जीन थेरेपी में, वो एडिनो एसोसिएटेड है। एडिनो एसोसिएटेड वायरस वेक्टर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली स्मॉल होते हैं और नॉन पैथोजेनिक हैं, ये भी नॉन इनवेलप हैं, और ये बेसिकली सिंगल स्टैंडर्ड DNA होते हैं, ठीक है। जो एडिनो वायरसेस थे वो डबल स्टैंडर्ड DNA थे, लेकिन ये सिंगल स्टैंडर्ड DNA होते हैं, और अगर इनका जीनोम देखो तो 4.7 किलो बेस पेयर्स तक होता है। अच्छा, ये जो वायरसेस हैं इन्हें जो है वो एडिनो एसोसिएटेड इसलिए कह रहे होते हैं, अगर देखो तो ये डिपेंडेंट होते हैं, जो एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस है ना, अगर आप इनको नेचुरली देखो तो ये नेचुरली खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकते, यानी ये डिपेंड करते हैं एडिनो वायरसेस के ऊपर, ठीक है, और कुछ हर्पेस सिंप्लेक्स वायरसेस के ऊपर। तो ये जो एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस हैं, अगर इनको आप नेचुरली देखो ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते, यानी इनको अपनी रेप्लिकेशन के लिए भी कोई ना कोई हेल्पर वायरस चाहिए होता है, तो एडिनो वायरस चाहिए होता है या हर्पेस वायरस चाहिए, इसलिए हमने
एडीनो एसोसिएटेड वायरसेस कह रहे होते हैं। तो आमतौर पे जो सेल्स होते हैं जिनमें एडीनो वायरसेस का इन्फेक्शन होते हैं, आमतौर पे ये एडीनो एसोसिएटेड वायरसेस वहां पर पाए जाते हैं, यानी ये वहां पर ये मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये जो एडीनो एसोसिएटेड वायरसेस हैं ये नेचुरली, तो ये नेचुरली खुद से रेप्लिकेट नहीं हो सकते, ना खुद से इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो आमतौर पर जो वायरसेस एडीनो वायरस इन्फेक्शन कर रहा होता है तो आमतौर पर उन सेल्स में मौजूद होते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं एडीनो वायरसेस के ऊपर। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये इटसेल्फ इंडिविजुअली जो होस्ट के लिए है ना, जो सेल्स के लिए इंडिविजुअली सेफ हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअली कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये होस्ट के लिए, बॉडी के लिए नॉन इन्फ्लेमेटरी है, किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं करते, किसी किस्म की नॉन इम्यूनोजेनिक है, कोई इम्यूनोजेनिसिटी कॉज नहीं करते। ठीक है, और ये इजिली, क्योंकि इनका इनका साइज बड़ा स्मॉल होता है, एडीनो एसोसिएटेड वायरस वायरल वेक्टर्स हैं, दे हैव अ वेरी स्मॉल इन साइज, तो दे कैन पेनिट्रेट इन द मैनी टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ना बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज में इजिली ये पेनिट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि दे हैव अ स्मॉल साइज। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये जीनोम में इंटीग्रेट करने की सलाहियत रखते हैं एज कम्पेयर टू एडीनो। ये जो है एडीनो वायरसेस, एडीनो एसोसिएटेड वायरसेस के अंदर इंटीग्रेशन की एबिलिटी होती है। तो अब एडवांटेज क्या है, बेसिकली इनका जो एडवांटेज ये होता है कि बेसिकली ये जो है इनकी रेप्लिकेशन तो ऑफकोर्स डिपेंडेंट होती है, लेकिन दे आर नॉन पैथोजेनिक एंड नॉन इम्यूनोजेनिक। एक तो पैथोजेनिसिटी कोई कॉज नहीं करते, क्योंकि पैथोजेनिसिटी कॉज कर नहीं सकते, इनको हेल्पर वायरस चाहिए होता है, तो दे आर वेरी परफेक्ट व्हीकल्स ना। हमारा जो सबसे बड़ा इशू है अगर आप देखो वायरल वेक्टर को यूज करने का, वो क्या होता है, वो यही होता है इम्यूनोजेनिसिटी और पैथोजेनिसिटी, मतलब वही साइटोटॉक्सिसिटी कॉज कर रहे होते हैं। तो ये दोनों इश्यूज को ओवरकम करने के लिए एडीनो एसोसिएटेड वायरस इज अ गुड चॉइस। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसका साइज का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये एक लिमिटेड साइज की ट्रांसजीन को लेके कैरी कर सकते हैं, ये इनकी लिमिटेशन है। ठीक, यानी समझ लो कि दे कैन कैरी ओनली अ वेरी लिमिटेड जीन सीक्वेंस ना। ठीक है, तो उसके अलावा ये जो है, और दूसरी बात ये कि इनको एक्टिवेट होने के लिए सेल्स में भी एडीनो वायरसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इनका जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये स्मॉल जीन को कैरी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एडीनो वायरसेस।